और इसमें पहला है डायरेक्शन नंबर 125 में दिया हुआ है क्वेश्चंस में, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो चलिए हम पैसेज पढ़ते हैं। द एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमैनिटी थ्रू आउट ऑल हिस्ट्री वॉज 27 ईयर्स। पूरे इतिहास में उठा के देखा जाए तो जीवन की जो औसतन उम्र होती है वो 27 वर्ष होती है। इन द 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी में हाउएवर साइंस एंड इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी ट्रबल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। विज्ञान ने 3 गुनी जीवन की एक्सपेक्टेंसी को टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा दिया है। एज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज इम्प्रूव, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल जो क्वालिटी है इम्प्रूव हुई एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज। तो जीवन की जो एक्सपेक्टेंसी यानी आशा जो थी वो बढ़ गई। द नंबर ऑफ बेबीज पर फैमिली वेंट डाउन, परिवार के अंदर जो बच्चों की संख्या थी वो वेंट डाउन कम होती गई। डिमॉन्स्ट्रेटिंग द फैक्ट, इस बात को इंडिकेट करते हुए दैट नेचर कीप्स ऑन बैलेंसिंग द पॉपुलेशन फिगर, कि जो नेचर है प्रकृति है वो पॉपुलेशन की फिगर को बैलेंस करके रहती है। आफ्टर मेजर वार्स, बड़े बड़े युद्ध हुए, वर्ल्ड वार वगैरह हुए, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ यंग एंड हेल्दी मैन आर किल्ड, जब बहुत बड़ी संख्या में युवा और जो स्वस्थ व्यक्ति मारे गए, बेबी मेकिंग इंक्रीज, तब क्या हुआ, प्रकृति ने ये मैसेज दिया कि बच्चे बढ़ने चाहिए। द बर्थ रेट कंटिन्यूज टू राइज फॉर 5 ईयर्स, जन्म दर जो थी वो 5 वर्ष तक बढ़ती गई। और सो आफ्टर द वार, युद्ध के एंड अंत तक, अंटिल द स्कोर इज रेक्टिफाइड, जब तक कि जो उनकी संख्या थी वो उचित हो गई। ऑल दिस हैपन्स विदाउट कंसेंसस कॉपरेशन, ये सब अपने आप से होता है, प्रकृति आपको गाइडलाइन देती है। और इवन द नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बींग्स, यानी ये मनुष्य की ज्ञान की, मनुष्य की जानकारी के बिना ही ये सब चलता रहता है, अर्थात प्रकृति ये गाइडलाइन करती रहती है। When the probabilities of human survival are poor, जब मनुष्य की सर्वाइवल की जो conditions है वो बेकार होती हैं, nature makes many babies, तो प्रकृति कई बच्चे उत्पन्न करने की सलाह देती है। When the chances of man survival improve, और जब मनुष्य के सर्वाइवल के chances बढ़ जाते हैं, nature reduces the number of new babies, तो प्रकृति अपने आप से बच्चे की संख्या बढ़ाने के लिए रिड्यूस कम करती रहती है। तो इसमें केवल नेचर और जो पॉपुलेशन है उसकी कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन है द ऑथर सेज दैट थ्रू आउट हिस्ट्री, इतिहास कहता है कि पूरे इतिहास भर में, हिस्ट्री भर में एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन रेस वॉज ऑफ 27 ईयर्स, यानी दूसरा वाला आंसर है वो सही होगा। वो ये कह रहा है कि एवरेज जो लाइफ थी वो 27 ईयर, पहले ही पैराग्राफ में बता दिया उसने। दूसरा क्वेश्चन है विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ क्या हुआ, पीपल एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस मोर बेबीज, तो ये बी सी आंसर सही होगा। नंबर थर्ड है एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्प्रूव, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है द नंबर ऑफ बेबीज, तो बच्चों की जो संख्या है बिकम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइफ, यानी जीवन के अनुकूल प्रकृति उसको बैलेंस कर देती है, संतुलित कर देती है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द टाइटल दैट बेस्ट एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ द पैसेज इज, इसका जो टाइटल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इसका होना चाहिए नेचुरल चेक्स ऑन पॉपुलेशन, यानी बी आंसर होगा, यानी प्रकृति उसको बैलेंस करके चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आफ्टर मेजर वार्स पीपल प्रोड्यूस मोर बेबीज, यानी बड़े बड़े युद्ध के बाद लोगों ने बच्चे प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ऐसा क्यों हुआ, तो इसमें नेचर गाइडेड देम, प्रकृति ने उनको ऐसा बताया, कि प्रकृति अपने आप से ऐसा बताती है कि ये होना चाहिए, अपने बस में कुछ भी नहीं होता है, तो आंसर इसका बी होगा। चलिए नंबर 6 क्वेश्चन है, इसमें स्पेलिंग एरर पूछनी है, तो ओरिजिनलिटी की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है, ORIGINALITY, इसलिए स्पेलिंग सी की गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 7 में, सिनोनिम्स बताने आपको जुबिनाइल,
जुबेनाइल माने होता है किशोर अवस्था, यानी जुबेनाइल का मतलब होता है एक करीब 16-17 साल की अवस्था, और उस समय क्या होता है यंग एज शुरू होती है, तो इसलिए यूथ विल बी द करेक्ट आंसर, सी होगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लेथल, तो लेथल का उसने पूछा है लेथल माने क्या होता है घातक, लेथल माने होता है घातक, तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो फेटल यानी बी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड, अब आपको एंटोनिम्स बताने, डिलीट, डिलीट माने होता है नष्ट करना, और इसी का अपोजिट हो जाएगा इंसर्ट यानी जोड़ना। अगला है 10 नंबर प्लेसिड, प्लेसिड यानी शांत, प्लेसिड यानी शांत, और इसका अपोजिट जो होगा वो नोइजी हो जाएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आपका 11 नंबर में कॉमन एरर्स आया है, एक करेक्ट पार्ट है यानी उसके अंदर इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है वो ढूंढना है। वी रिटर्न फ्रॉम द गेस्ट हाउस इम्प्रेस्ड बाय, इम्प्रेस्ड हमेशा विद लेता है इसलिए इसमें एरर बी सेक्शन में होगी। चलिए नंबर 12 देखिए, द चिल्ड्रन क्रैकर्स, क्रैकर्स कहते हैं पटाखे, अब पटाखे फोड़ते हैं तो पटाखों में क्या करते हैं आग लगाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है वो सी यानी फायर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है लेट, 13 नंबर में लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ है, और ये यहाँ पर हु कैन आंसर माय क्वेश्चन, मुझे देखने दो कि कौन आंसर दे सकता है, तो इसलिए यहाँ पर लेट मी सी, आओ देखें, तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका माय डॉटर इज लर्निंग टू प्ले द वायलिन, जब भी हम कोई यंत्र को इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो आर्टिकल द लगाते हैं, और खरीदते हैं तो आर्टिकल आ लगाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर है वो बी होगा, 14 नंबर में बी आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 15 में आइए, हमें नरेशन बताना है, यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल सेड मिस्टर जॉन्स, तो मिस्टर जॉन्स सेड दैट, यू को हम प्लूरल में माने तो आंसर हो जाएगा इसका वी मान करके, तो मिस्टर जॉन सेड दैट वी या दे, तो हम अगर दे मान लेते हैं तो दे वर ऑल डूइंग वेरी वेल यानी डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नंबर 16 में आइए, इसको पैसे बनाना है, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, और इसमें हम बटर से बनाएंगे, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क बाय अस, इसका आंसर है वो बी होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है मेक, इसलिए इज लगाना है वॉज नहीं। आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन, सोचिए जरा यहाँ आस्क्ड लिखा हुआ है तो कैन तो आ ही नहीं सकता, कुड लगेगा, इसलिए यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 18 में चूज वन वर्ड, अ गवर्नमेंट विच डज नॉट फॉलो एनी रिलीजन, जो किसी धर्म को पालन नहीं करती वो धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर गवर्नमेंट कहलाती है। फिल इन द करेक्ट नाउन भरना है, क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड बाय अ पैनल, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस को चेक करते हैं तो इसका एक पैनल बनाया जाता है, ग्रुप को पैनल कहते हैं, तो इसका आंसर है वो सी होगा। पिक आउट द प्रॉपर एडवर्ब, इसमें एडवर्ब भरना है, ही वॉज स्ट्राइडेंटली परचेनिंग हिज इनोसेंस, स्ट्राइडेंटली यानी सी इज द करेक्ट आंसर आएगा, यानी जोरदार ढंग से परचेनिंग हिज इनोसेंस, अपने इनोसेंस को उसने जोरदार तरीके से एक्सप्रेस किया। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस इस सेट में बताए, और यहाँ पर वैसे मैंने जो सेट डाले हुए हैं उसमें सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कितना समय लगा, ये तो मैंने काफ़ी आराम से कराए हैं, अगर आपको ये आते होंगे तो अच्छी तरह से इनको कर पाएंगे और आराम आराम से करेंगे, और एक्यूरेसी का विशेष ध्यान देंगे, ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी निपटाने हैं, निपटाने नहीं है, स्कोर करना है एक्यूरेसी के साथ।